बीएसटीसी और पीटीटी से जुड़े पांच बड़े सवाल जिनके बारे में चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले। साथियों आपको बता दें, बीएसटीसी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। कल कॉलेज ऑप्शन चॉइस करने का भी आखिरी दिन रहेगा। वहीं पीटीटी की बात करें तो पीटीटी में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, जबकि फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मोमेंट है उसके भी रिपोर्टिंग की कल अंतिम तिथि है। तो ऐसे में अब प्रदेश भर से जो परीक्षार्थी, उनके सामने ये पांच बड़े सवाल आ रहे हैं। आपको बता दें, सबसे जो बड़ा सवाल है कि जिनका पेमेंट दो बार कट गया ऐसे अभ्यर्थी क्या करें। अर्थात यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की और कॉलेज आवंटन फीस की, तो दोनों में ही पीटीटी में ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो इन दोनों में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जबकि बीएसटीसी में हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस में दो बार डिडक्शन हो चुका हो। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं इसका जवाब दूँ, इससे पहले आप एक बात की जरूर सावधानी रखें, भविष्य में जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करवाएं तो एक बात ध्यान रखें कि आपका सर्वर प्लस आपका जो नेट की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और यदि आपका पेमेंट एक बार फेल्ड आ जाता है तो इसके बाद आप हाथों हाथ दूसरा पेमेंट कभी भी ना करें, कम से कम एक घंटे का वेट करें। यदि पेमेंट क्लियरेंस हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा इसके बाद ही आप पेमेंट करें। तो ऐसे साथी जिनका दो बार पेमेंट हुआ उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि उनका पेमेंट फर्स्ट में फेल्ड आया होगा या फिर पेमेंट में कोई स्टेटस नहीं दिखाया होगा और उन्होंने बगैर वेट के ही और दूसरा ट्रांजैक्शन कर दिया, जिसकी वजह से दो बार उनका जो ट्रांजैक्शन है वो हो गया। अब जिनका दो बार ट्रांजैक्शन हो गया ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बीएसटीसी के द्वारा भी और पीटीटी के द्वारा भी एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आप अपनी लॉगिन आईडी से अपने दोहरे जो पेमेंट है उसके रिफंड के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर भी आप एक बार, जरूरी है कि जो पीटीटी की और बीएसटीसी की हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन में ध्यान रखिएगा, जो हेल्प डेस्क की मेल आईडी है उस पर अपने पूरे विवरण के साथ में मेल जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी से जब आपकी मेल जाना शुरू हो जाएंगी तो इससे बीएसटीसी को और पीटीटी को लगेगा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना करें कि आप आवश्यक रूप से पीटीटी की और बीएसटीसी की हेल्प डेस्क पर मेल जरूर कर दें। सवाल नंबर दो की बात करें तो पीटीटी पेमेंट रिटर्न प्रोसेस, बिल्कुल निश्चिंत रहें, रजिस्ट्रेशन पीटीटी में भी बीएसटीसी में कराने के बाद दो या तीन राउंड की काउंसलिंग के बाद जब कॉलेज आवंटन नहीं होगा तो पीटीटी के द्वारा भी और बीएसटीसी के द्वारा भी बाकायदा लिंक दिया जाएगा, बिल्कुल एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा आपको जिसमें आप अपने लॉगिन आईडी से जो रिफंड है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तीसरा सवाल कि जिनके जेंडर में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है ऐसे अभ्यर्थियों का जो जितना भी चांस था वो जा चुका है, अब बीएसटीसी भी और पीटीटी भी हो सकता है सारे राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको एक बार मौका दे दे, अगर फिर भी मौका नहीं देती है तो आप कॉलेज आवंटन के बाद अपने प्रकरण को कॉलेज प्रिंसिपल से फॉरवर्ड जरूर कराएं कॉलेज के लेटर पैड पर लिखकर। रिपोर्टिंग के वक्त साथियों टीसी माइग्रेशन बिल्कुल ज़रूरी होती है, लेकिन जो नहीं लेके जाते वो शपथ पत्र दे दें कि एक माह के अंदर हम ये चीज़ जमा करा देंगे, क्योंकि टीसी माइग्रेशन इसलिए ज़रूरी है, यदि आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी सेम है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्सिटी अलग होने पर माइग्रेशन आवश्यक हो जाता है, टीसी तो संस्थान बदलते ही आपको देनी पड़ती है। पेमेंट करते समय आप बिल्कुल, मैं पहले बता चुका हूँ ये पाँचवा और आखिरी सवाल है, आप देख चेक कर लें आपके नेट की स्पीड अच्छी खासी हो, पेमेंट फेल्ड आने पर एक घंटा तक दूसरा ट्रांजेक्शन कभी भी ना करें। इसी के साथ में ये सावधानी जरूर बरतेंगे तो आप जितने भी गलती उनसे बच जाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट के आधार पर मैं आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करूंगा। साथियों ये राजस्थान सहित देश भर के जितने बेरोजगार परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उनको समर्पित चैनल है जिसमें हम आपकी पीजीटी, रीट, पुलिस, पटवार, बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है उनका समाधान आवश्यक तौर पर करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार।